पड़ोसी श्रीलंका में करीब पिछले दो हफ्तों से पीएम पद के लिए चल रही रस्साकस्सी के बीच जो राजनीतिक संकट उभरा, उसको देखते हुए राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने शुक्रवार को संसद को भंग कर दिया। बता दें कि पिछले कई दिनों से महिंदा राजपक्षे गुट और रानिल विक्रमसिंघे गुट के पीएम पद को लेकर तनातनी चल रही है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और नवनियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे 225 सदस्यीय संसद में बहुमत के जादुई आंकड़े 113 से अब भी दूर हैं। संसद के सदन में बहुमत साबित करने से कुछ दिन पहले शुक्रवार को उनके प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के शुक्रवार आधी रात को लिए गए इस फैसले के बाद श्रीलंका में मिड टर्म यानी मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राजनीतिक गतिरोध होने की वजह से श्रीलंका में अब तयशुदा कार्यक्रम से दो साल पहले ही चुनाव कराने पड़ेंगे। श्रीलंका में 5 जनवरी 2018 को आम चुनाव होगा। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जिसके बाद से श्रीलंका में संवैधानिक संकट जारी है।